नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेज टू एम एक्स, और मुझे प्रूव करना है nth डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एम एक्स इज इक्वल टू एम रेज टू एन ए रेज टू एम एक्स लॉग ए रेज टू एन। तो फ्रेंड्स इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने बाकी स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव को फाइंड किया था, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव लीजिए और फिर आप उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, और उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके फिर हम nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a रेज टू एम एक्स देन लॉग ए देन डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स दैट इज एम। मुझे लगता है आप सबको चैन रूल पता है, यहाँ पे मैं बेसिकली चैन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। सो k रेज टू x का डेरिवेटिव होता है k रेज टू x इंटू लॉग k। सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर x की जगह mx हो जाए तो मुझे mx का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी अगर इस x की जगह mx हो जाए तो मुझे mx का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इंटू m मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आपने ट्वेल्थ में भी जरूर पढ़ा होगा। सो अब फ्रेंड्स मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूंगा, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा log a इंटू m क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव के बाहर चले आएंगे और अगेन a रेज टू mx का डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। क्या होगा वो, a रेज टू mx इंटू log a इंटू वॉट m, और अब अगर आप देखेंगे तो मुझे मिलेगा log a का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू a रेज टू mx, एंड दिस इज आंसर फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, मुझे लग रहा है आप पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि कौन सा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। सो देखिएगा अभी इतना पार्ट कॉन्स्टेंट है, तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर देन ए रेज टू एम एक्स का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, ए रेज टू एम एक्स लॉग ऑफ ए इंटू एम, और अब फाइनली मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ए का क्यूब इंटू एम क्यूब इंटू ए रेज टू एम एक्स। सो आइए अब ऑब्जर्व करते हैं उन पैटर्न्स को जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर थर्ड डेरिवेटिव था लॉग ए का पावर क्या था 3, एम का पावर क्या था 3 और ए रेज टू एम एक्स एज इट इज है, ओके। और फ्रेंड्स जब मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो लॉग ए का पावर क्या है 2, एम का पावर क्या है 2 और ए रेज टू एम एक्स एज इट इज है, और जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो लॉग ए का पावर है 1, एम का पावर है 1 और ए रेज टू एम एक्स एज इट इज है। यानी फ्रेंड अगर मैं nth डेरिवेटिव लूँ तो ए रेज टू एम एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर लॉग ए का पावर क्या होगा, लॉग ए का पावर होगा मैं कितनी बार डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो एन टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे एन मुझे मिलेगा यहाँ पर लॉग ए, ओके। सो लॉग ए का पावर होगा एन, देन फ्रेंड्स एम का पावर क्या होगा, एन होगा, ठीक है। सो ये होगा फाइनल आंसर फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एम एक्स, और ये एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर दिया हुआ है। सो मुझे लग रहा है आपको समझ गया कि कैसे पैटर्न ऑब्जर्व करके हम nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ सम मोर स्टैंडर्ड फंक्शंस।